तो पंजाब पंचायत चुनाव से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, कुछ घंटों का इंतजार जिसके बाद अपना पंच और सरपंच चुनने का मौका पंजाब के लोगों को मिलेगा। हालांकि तमाम ग्राम पंचायतें ऐसी जहां पर पंच और सरपंचों का चुनाव सर्वसम्मति के साथ हो चुका है और सरकार की तरफ से भी यह ऐलान किया गया था कि सर्वसम्मति से जिन ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों का चुनाव होगा उन्हें स्पेशल ग्रांट दी जाएगी, जिसके तहत 5 लाख रुपये दिए जाएंगे। तो तमाम जगह ऐसी हैं जहां पर सर्वसम्मति के साथ इलेक्शन हो चुका है, तो बाकी जगहों पर कल सुबह से 8 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी और कल ही देर शाम तक नतीजे भी सामने आ जाएंगे। प्रशासन की तरफ से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जाने को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये चुनाव संपन्न हो सकें। आपको बता दें कि 48,000 से ज़्यादा पंचों और 3800 से ज़्यादा सरपंचों का सर्वसम्मति के साथ चुनाव हो चुका है। राज्य में 13,229 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें चुनाव को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो सकें। फ्लैग मार्च के जरिए उपद्रवी तत्वों को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि जो भी चुनाव के दौरान माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता हुआ अगर पाया जाता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। यानी कि प्रशासन चुनाव को लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। मोगा से गुरुदेव भान हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़ गए हैं। गुरुदेव, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? अब तो इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है, कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद वोटिंग का मौका। पंचायत के चुनाव होने जा रहे, कल को पंचायत के सुबह 8 बजे से जो वोटिंग शुरू हो रही। बात की जाए तो मोगा के 340 पंचायत है, वो पंचायतों का फैसला आएगा। और देखिए दूसरी बात की 1262 पंच बनेंगे। मोगा की बात की जाए तो 5,85,860 जो वोटर है अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकता है। करें इंतजाम किए के चप्पे चप्पे पंजाब पुलिस के जवान भी तैनात किए, उससे कड़ी की बात की जाए 1400 के करीब जो पुलिस कर्मी है वो मौजूद रहेंगे। 20 से ऊपर जो टीमें बनेगी है जिसको तैयार किया गया है एस डी एम का, वो अपनी मीटिंग करेंगे। उसके ऊपर जो आरओ होगा एस डी एम एस एस पी और मोगा किसी पूरी मीटिंग करेंगे। कहीं भी देखा जाए तो मोगा में पहले भी चुनाव के पहले जब कागज भरे जा रहे थे वहां पर विवाद हुआ था, उसके बाद सुरक्षा के कड़े इंतजाम में कल सुबह वोटिंग शुरू होगी और सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू, 5 बजे वोटिंग होगी। उसके बाद रिजल्ट आने शुरू हो गए। पंच रुपए का गाँव की पंचायत यानी गाँव की सरकार होती है वो बनने जा रही है। पंजाब का सभी तैयार था इस चुनाव के लिए, पंचायती चुनाव जहाँ से और गाँव से ही राजनीति शुरू होती है। पंजाब में कल चुनाव होने जा रहे थे। बिल्कुल, कितने पोलिंग बूथ है जो संवेदनशील अति संवेदनशील बनाए गए हैं? और साथ ही अधिकारियों से भी आपने बातचीत करने की कोशिश गुरुदेव भाम की होगी, उनकी तरफ से क्या कुछ दावा किया जा रहा है पंचायत इलेक्शन को लेकर कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से ये चुनाव संपन्न हो पाए, इसको लेकर उनकी तरफ से क्या दावे हैं और इंतजाम क्या है? बिल्कुल कई गाँव में धर्मपुर हल्का धर्मकोड़ा होता है, कई बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। बाघा पाना के जो बूथ है उनको भी खुल बनाया जाए तो 150 के करीब जो बूथ है उसको संवेदनशील घोषित किया गया। वही बस के एम सी के एस एस सी मोगा और डी सी मोगा खुद मीटिंग करेंगे, जो आरओ होंगे वो वहां मौजूद रहेंगे। सबसे करीब 1400 के करीब जो कर्मचारी वहां पे मौजूद रहेंगे। लेकिन उसी तरह की वहां पर गाँव में सरपंच होते हैं, सरपंच बने जा रहे हैं वहां गुरुद्वारों में और पानी का और खान पीन का दो इंतजाम वो भी किए गए। कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरकार कड़े इंतजाम में का चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि सरकार बन सकती है। इस बार जो चुनाव बिना सिद्धों के होने जा रहे हैं किसी सिद्धल नहीं मैथिली पार्टी के सिद्धल के लिए तो नॉर्मल चुनाव होंगे, उसके बाद में पता पड़ेगा कि किस पार्टी के जो सरपंच बनते हैं। अगर मोगा जिले की बात करें तो मोगा में सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की कितनी टुकड़ियां तैनात की गई हैं, पुलिस की कितनी टीमें वहां पर लगाई गई हैं, कितने जवानों को तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना होने पाए? 1400 के करीब जो पुलिस अधिकारी है, लेकिन बाहर की चौकड़ी के जो 250 के करीब मुलाजिम है वो भी तैनात किए जाएंगे। जहाँ पर पुलिस की मीटिंग होगी वहाँ पर बाहर की कंपनी के जो मीटिंग बनेंगे वो भी वहाँ पर रहेंगे। रक्षा करी जाएगी, एस एस पी खुद वहाँ पर मीटिंग करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए टीमें बनाएंगे, टीमें जो 20 लोग हैं 20 लोगों को तैयार दिया गया एस टीम का, वो एस एस पी को रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के बाद जो नजदीकी टीम होगी वहाँ पर पहुंचेगी। लेकिन प्रशासन कहना कि हमने सख्त इंतजाम किए गए, कोई भी अनुकूल घटना ना हो पाएगी। पोलिंग पार्टियां कई जगहों के लिए रवाना कर दी गई है, क्या मोगा पहुंच चुकी है पोलिंग पार्टियां?
देखो ये मोगा के जो गांव है करीबन तो आपको बताना चाहूंगा 1400 के करीब जो पुष्कर्म जो नाथ रहेंगे, 5,62,000 आसपास पास जो वोटर अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात की जाए तो यहाँ पर जो 1200 करीब बूथ बनाए गए हैं, लेकिन टीमें जो बिल्कुल है वो अपनी जगह पर पहुंच चुकी है। सुरक्षा में वहां पर पुस्तकाल दिखाए भी गए, सुबह 8 बजे वोटिंग शुरू होगी थी। बिल्कुल, शाम 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद वोटों की गिनती के बाद नतीजे भी कल ही देर शाम तक घोषित किए जाएंगे। कई जगहों पर पुलिस की ओर से फ्लैग मार्च निकाला गया है। मोगा में प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहे चौकन्नी रहे, इसको लेकर क्या कुछ पहले तैयारियां की गई, इसके बारे में अगर आप कुछ दर्शकों को बता पाए। बिल्कुल जी, मोगा की बात मोगा में सुशन करेंगे। दूसरी बात कहा जाए एरिया घोषित किया गया तो शराब के ठेके हैं, शराब वोटों में बहुत बांध जाती है, पैसा बांध है, उसके लिए स्पेशल टीमें बनाई गई है। लेकिन शराब के ठेके आज शाम से बंद रहेंगे, कल शाम तक बंद रहेंगे, कोई ऐसा ना हो जाए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के लिए SSP मोगा से यही बात हुई, कहना किसी को भी अनुसरण घटना अंजाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा, सुरक्षा कड़े इंतजामों में वोटिंग करवाई जाएगी। यानी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो उसको लेकर तमाम तैयारियां हैं आप कह रहे हैं। देखो जी SSP मोगा DC मोगा यही कह रहे हैं, पूरे मुकम्मल कर रही है, तो सारे कड़े इंतजाम रहेंगे। हर तबके तबके पर पंजाब पुलिस के जवान तैनात के गांव में, हर गांव में पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं और जो मुलाजिम में वोटिंग दिलवाने वाले हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, चुनाव को निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाना ये एक बड़ी चुनौती तो होती ही है, लेकिन चुनाव के बाद जब नतीजे सामने आते हैं, जीत का जश्न मनना जब शुरू होता है, तो उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने होती है कि कैसे लोगों को शांत रखा जाए और जीत के जश्न में किसी तरह का हुड़दंग ना हो या फिर कोई दूसरे पक्षों की तरफ से कोई हंगामा ना हो, ये बड़ी चुनौती होती है। तो इससे निपटने को लेकर भी प्रशासन तैयार है पूरी तरह? देखो ये पूरी तरह तैयार है, 5 बेड की गाड़ियां वो भी अपने शहर के बाहर चौक में मौजूद रहेंगी, कोई अनुसरण घटना पर पुलिस मुलाजिम है वो टीमें बनाएगी, स्पेशल टीमें लगाई गई है। सब टीमों में 10 से 12 पुलिस अधिकारी और पूरी टीम के साथ आपसे मौजूद रहेंगे। अगर कहीं पर ऐसी अनुसरण घटना वापरती है वहीं पर MEJP 5 मिनट में वहां पुलिस अधिकारी पहुंच सकते हैं। पहले सुरक्षा के कारण की हमकी बात की है तो जो असला है असला होता गाँव में वो भी जमा करवाया गया है।